राजस्थान सरकार से मांगों को लेकर पूरे प्रदेश के आक्रोशित सरपंच संघ के आह्वान पर अजमेर जिले सहित जिले में झड़वासा ग्राम पंचायत के सरपंच भंवर सिंह गोड ने भी भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र पर तालाबंदी कर दी। गौरतलब है कि प्रदेश सरपंच संघ ने राजस्थान सरकार से विभिन्न मांगों जैसे राज्य वित्त आयोग से पंचम राज्य वित्त आयोग सफल राजस्व 7.8% से 6.75% करने, राज्य वित्त आयोग एवं 15वें आयोग की वर्ष 2021-22 रुपए की शेष राशि का भुगतान, संविदा कर्मी का अलग बजट निर्धारण करने, जल जीवन मिशन योजना को जल विभाग को अधिकृत करने, निविदा कार्य संपादन करने के लिए 29 नवंबर 2019 के आदेशों को संशोधन करने और जन सुविधा के लिए चयनित रास्तों, टंकी, बोरिंग, टांका, हैंडपंप और पाइपलाइन का विकास कार्य भूमि स्वामी की सहमति के अनुसार करवाने की अनुमति तथा प्रधानमंत्री आवास योजना में करीब 10 लाख नाम व पंचायत के अधीनस्थ विभागों को पुनः जोड़ना, सरपंचों का प्रशिक्षण और ऑनलाइन कार्य के लिए संसाधन उपलब्ध करवाने को लेकर ज्ञापन दिया। मांग पत्र और समझौते पर राजस्थान सरकार द्वारा आदेश जारी नहीं करने पर सरपंचों में रोष और आक्रोश के चलते जानकारी थी कि 13 मार्च को अपने क्षेत्र के विधायकों को ज्ञापन और 14 मार्च को तालाबंदी की जाएगी और उसी क्रम में ये तालाबंदी की गई। अब 22 मार्च को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। हमने आज जो तालाबंदी की है, गहलोत सरकार जो हमारी मांगे लिखित में आश्वासन देने के बाद भी सरकार ने हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया और आज ग्रामीणों में जो हम काम कराने की जो इच्छा शक्ति रखते हैं लेकिन जैसे कोई पैसा नहीं आएगा ग्राम पंचायत तो गाँव का विकास कैसे होगा। तो हमारे लिखित आश्वासन मिलने के बाद भी हमारा कोई भी गहलोत सरकार ने हमारे द्वितीय आश्वासन दिए न इस पर कोई काम कर रही है न हमारी सुनवाई हो रही है।